हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे हेलो एल्किन के प्रिपरेशन के मेथड के बच्चों, और यहाँ पर जो हमने मेथड पढ़े थे वो एक मेथड हमने पढ़ा बाई एक्सेंस हैलाइड, या फिर बोले बाई हैलाइड एक्सेंस, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था फ्रोम एल्कोल बच्चों। ठीक है, दो मेथड हो चुके हैं, और जो हेलो एल्किन बनाने की जो ट्रिक होती है बच्चों वो क्या होती है, फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद यही सोचती होगी। ठीक है, और हमने बोला था जो एल्कोल फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या बोलता है कि मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम बुलाने को। क्या बोला, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम बुलाने को बच्चों। ठीक है ना, अभी तक देखते हैं जो हमारे पास में अगला जो मेथड होगा यहाँ पर हमारे पास में कि फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है बच्चों। इसका मतलब था फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन, ये कंप्लीट हो गई है। शराबी का मतलब था एल्कोल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा था एल्कोल, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है बच्चों वो दी गई है एच यू हुंसडीकर रिएक्शन। कौन सी है, हुंसडीकर रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं हमारे पास जो तीसरा मेथड जो है, तीसरी जो रिएक्शन आएगी वो आएगी हुंसडीकर रिएक्शन। हम वो बोलेंगे हुंसडीकर रिएक्शन को याद करने की ट्रिक जो है बच्चों को होगी आएगी बारात। क्या होती है, आएगी बारात। तो इधर देखते हैं कि हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है आपके पास में, सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इधर देखते हैं RCOOAg बच्चों, इसको बोलते हैं सिल्वर और ये क्या हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये दोनों आपस में क्या बन गए थे, साल्ट बने थे क्योंकि ये तो था एसिड, इस प्रकार से RCOOH और ये क्या था आपके पास में AgOH, तो यहां से क्या निकल गया था H2O। और हम बोलते हैं जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सर जी साल्ट बनता है, और साल्ट जब बनता है तो H2O का मॉलिक्यूल कहां जाता है, बाहर जाता है बच्चों, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख रहा हूं बच्चों इसका नाम, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ में, किसके साथ में करवा रहे हैं, Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ में कराते हैं तो बच्चों क्या बनेगा, सीधी सी जाहिर सी बात है बच्चों दिख रहा होगा हमें RX बनाना है, और यहाँ पर X क्या दिया हुआ है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ब्रोमिन दिया हुआ, क्या बन जाएगा RBr, क्या बनेगा RBr बच्चों। साथ में यहां से क्या बाहर निकलेगा, एक Br बच गया तो क्या बाहर निकलेगा AgBr, क्या बाहर निकलेगा AgBr, और साथ में यहां पर कौन बच गई CO2, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी बच्चों यहां से CO2 गैस यहां से क्या होगी बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम करें तो ऐसे कर सकते हैं RC OOAg, और Br को दो बार लिख लो, इधर से देखो प्लस में क्या करोगे, ये आएगा Br और ये कौन आएगा Br बच्चों, लेफ्ट वाले को तोड़ दो लेफ्ट वाले के साथ में, और राइट वाले को तोड़ दो राइट वाले के साथ में, क्या बीच में कोई दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे राइट में क्या दिया हुआ है RBr, क्या दिया गया है RBr, बीच में क्या दिया हुआ है CO2, और लास्ट में क्या दिया गया है AgBr, क्या दिया गया है AgBr, तो यहां से रिमूव कौन हो रहा है बच्चों AgBr, कैसे याद रखोगे आएगी बरा AgBr AbR और AbR कौन जाएगा AgBr कहां जाएगा भाग, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी बच्चों याद करने की ट्रिक हो जाएगी आएगी बरा आएगी बरा, और आएगी का मतलब क्या होगा Ag और बरा का मतलब क्या हो जाएगा Br। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन के पास में चलते हैं हम लोग, अगली जो रिएक्शन हमारे पास में वो दी है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारी हो गई बच्चों, ये हुंसडीकर हो गई है, स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारी हो चुकी है, अब हमारे पास में बच गई है MAI मेथेन, ऐसे का मतलब एल्किन और आई का मतलब एल्काइन बच्चों, तो हम पढ़ेंगे
यहाँ पर जो हमारे पास में जो फोर्थ रिएक्शन होगी वो हम बोलेंगे बाई हाइड्रोकार्बन या फिर बोलेंगे फ्रोम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगी, फ्रोम हाइड्रोकार्बन। और बच्चों हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन देखो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन व हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड जो होंगे आपके पास में से क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो सबसे पहले रिएक्शन आ रही है वो के आर किसके साथ में आ रही है, विद मैथेन। तो यहाँ पर लिखेंगे आपके पास में देखो एम ए आई एल्केन, एल्केन के साथ में, एल्केन का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि सी एच फोर मैथेन की रिएक्शन, क्या बोलेंगे सी एच फोर मैथेन की रिएक्शन जब आप करवाते हैं बच्चों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में, सी एच के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों ये लाइट जो होगी यहाँ पर फोटोन के रूप में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो लाइट आपके पास में आ रही है वो फोटोन, हाँ बच्चों। तो हम बोल रहे थे कि ये जो आपके पास में दिया हुआ है एच यू, इसका मतलब है लाइट, क्या है लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने हैलोजन की डेफिनेशन लिखवाई थी कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन एटम। अरे बच्चों एल्केन है कि नहीं है, और एल्केन का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से, और कौन जुड़ जाएगा Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे CH3Cl प्लस में HCl, ठीक है। ये तो होगी आपके पास में फर्स्ट रिएक्शन बच्चों। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, यहाँ पर करते हैं, ये तो एल्केन से हो गई, अब किससे करेंगे एल्कीन से बच्चों। सेकेंड रिएक्शन कौन सी आएगी एल्कीन, बच्चों वापस से देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी, देखो यहां पर दिया हुआ है आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। डबल बॉन्ड जब भी आता है कार्बन कार्बन के इन बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी बच्चों एल्कीन हो जाएगी, ठीक है। अब एल्कीन की रिएक्शन यहां पर हम करवाएंगे एच एक्स, इसको बोलेंगे हैलोजन एसिड। तो यहां पर ये तो हो जाएगा आपके पास में एल्कीन बच्चों, और इसको हम क्या बोलेंगे हैलोजन एसिड बोल देंगे, फिर बोलेंगे हाइड्रोजन हैलोजन बोल देंगे ना, हाइड्रोजन एसिड जो आपके पास दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड, तो बोलेंगे हैलोजन एसिड, है ना। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर बोलेंगे एसिड दिया हुआ साहब, क्या दिया हमें हैलोजन एसिड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, अब यहाँ पर आपके पास में जो एक्स जो होगा बच्चों वो एक्स क्या क्या हो सकता है, सी एल हो सकता है, बी आर हो सकता है, फिर क्या हो सकता है आपके पास में आई हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है बच्चों। फ्लोरीन को ऐसा बोला जाता है कि फ्लोरीन जो होता है आपके पास में उसको हम एक डार्क जो बोतल होती है उसमें रखते हैं बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसको जैसे ही लाइट मिलेगी लाइट से तुरंत रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद में एक रिएक्शन होगी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की होगी, मतलब आपके पास विस्फोट होगा, एक्सप्लोसिव नेचर की होता है वो, इस वजह से उसकी रिएक्शन हम यहाँ पर नहीं करा रहे, हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन के बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो डबल बॉन्ड को, कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, इस पर चार्ज क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, और हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आता है बच्चों प्लस आता है, अगर इस पर प्लस है तो हाइड्रोजन पर कैसा आ जाएगा माइनस। अब ये देखो यहाँ पर प्लस के पास तो जाएगा माइनस, और माइनस के पास कौन आ जाएगा प्लस, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन हमारे पास में जो यहाँ पर बनेगी वो कौन सी रिएक्शन बन रही है, सी सी सी, देखो यहाँ पर प्लस था तो प्लस के पास तो कौन आएगा हैलोजन, और यहाँ पर माइनस के पास कौन आएगा एच आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके पास में एक्स, और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके पास में एच आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, अरे नहीं समझ में आया क्या, वापस देख एल्कीन की रिएक्शन आप करवा रहे हो एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड वाले बोलेंगे हाइड्रोजन एसिड के साथ में, तो हाइड्रोजन एसिड जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, एच सी एल एच बी आर और एच आई, इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब एक्स की जगह आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपने क्या ले लिया एच बी आर ले लिया बच्चों, क्या ले लिया एच बी आर ले लिया, एच बी आर की रिएक्शन करवानी है तो देखो यहाँ से यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटेगा, तो इस पर चार्ज क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या आता है प्लस, और इस पर क्या आता है माइनस, तो प्लस तो जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास, तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर तो आएगा बी आर और यहाँ पर कौन आएगा एच ओ, ठीक है बच्चों। ये जो प्रोडक्ट आपके पास में बन रहा है ये बनेगा मार्कोनी कोर्फ रूल के अकॉर्डिंग,
किसके अकॉर्डिंग बनेगा? मार्कोनी, मार्कोनी कोफ रूल। सर मार्कोनी कोफ रूल ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहां पर HBr की रिएक्शन, ओनली HBr की रिएक्शन अगर प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, या फिर हम बोले HCl, इधर देखते हैं बच्चों, एक तो होगा मार्कोनी कोफ का रूल ये वाला, और दूसरा हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? एंटी मार्कोनी कोफ, एल्किन के साथ में। एक तो होगा मार्कोनी कोफ का रूल। मार्कोनी कोफ का रूल क्या कहता है कि हमारे पास में HCl, HBr या HI की रिएक्शन हम जब करवाएंगे, है ना, ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कौन आएगा? प्लस। यहाँ पर कौन आएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस के पास जाएगा, माइनस माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास में? ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, यहाँ पर तो आएगा एक्स और यहाँ पर कौन आएगा? एच आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम बोले एंटी मार्कोनी कोफ करो, ए एम के, एंटी मार्कोनी कोफ करो, सर ये क्या होता है? एंटी मार्कोनी कोफ का रूल होता क्या है कि जब आपके पास में एल्किन की रिएक्शन HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड H2O2 या R2O2 के साथ में करवाते हैं, तो इसे बोलेंगे एंटी मार्कोनी कोफ का रूल। और एंटी मार्कोनी कोफ के रूल में जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनी कोफ के रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनता, उसके जस्ट अपोजिट बनता। देखो बच्चों, नाम से मार्कोनी बोल रहा था कि हैलोजन यहाँ जुड़ना चाहिए, और एंटी क्या बोलेगा? हैलोजन कहाँ जुड़ना चाहिए? यहाँ जुड़ना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये डबल बॉन्ड, ये और हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? HBr की रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में? परोक्साइड H2O2। तो परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ये जो रूल होगा ये हो जाएगा एंटी मार्कोनी कोफ के रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। और एंटी मार्कोनी कोफ का रूल क्या कहता है बच्चों? कि जहां पहले प्लस जा रहा था वहां आपको हो जाएगा माइनस, और जहां माइनस जा रहा था वहां आपको हो जाएगा बच्चों प्लस जाएगा। तो देखें इसका जस्ट उल्टा करना है तभी तो कहलाएगा एंटी। भाई एंटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जाएगा यहां से यहां, यहां पर तो कौन आ गया? प्लस। यहां पर कौन आ गया? माइनस। यहां कौन आ गया? प्लस। यहां कौन आ गया? माइनस। अब अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंग मी एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मार्कोनी कोफ के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास में प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट ये ना बनकर क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रोक्साइड है बच्चों, और प्रोक्साइड क्या है? HBr की प्रेजेंस, ये प्रोक्साइड आपके पास में, तो क्या बनेगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपोजिट बनेगा, कि पहले x जो आ रहा था वो प्लस के पास था, लेकिन अब x जो जाएगा किसके पास में जाएगा? माइनस। सेम सेम के पास, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? x, और यहाँ पर कौन आ जाएगा बच्चों? एच आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लो HCl ने और HI ने, और साथ में हम क्या ले रहे हैं बच्चों? प्रोक्साइड ले रहे हैं, क्या प्रोडक्ट ये बनेगा क्या? नहीं बच्चों, HCl व HI इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड एंटी मार्कोनी कोफ रूल की फॉलो नहीं करते, एंटी मार्कोनी कोफ रूल की पालना नहीं करते, वो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मार्कोनी कोफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, चाहे प्रोक्साइड हो या फिर ना हो। प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी कोफ के अनुसार बनेगा। बट HBr जो होगा उस पर प्रोक्साइड का इफेक्ट पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड HBr जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी मार्कोनी कोफ, बट एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड HBr बनेगा मार्कोनी कोफ, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में प्रिपरेशन के मेथड थे। यहाँ पर एक मेथड और बच गया, विद एमीन, या फिर बोले फ्रॉम एमीन, एमीन की रिएक्शन RnH2 बच्चों। अगर अमोनिया जो दिया हुआ है, अमोनिया बोलते हैं NH3, और हम बोल सकते हैं कि यहां से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस, NH3 का मतलब अमोनिया होता है बच्चों, और अगर NH3 में एक H को हटा दे और यहां पर क्या जोड़ दें? R जोड़ दें, तो ये क्या बनेगा आपके पास में? एमीन बनेगा। 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एमीन है, और एमीन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, या फिर इसको बोलेंगे टिल्डेन रिएजेंट। क्या बोलेंगे? टिल्डेन रिएजेंट। जब इसके साथ में बच्चों ये रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCl प्लस में N2 प्लस में H2। कैसे बना बच्चों?
इधर देखते हैं इसकी ट्रिक, आर एन एच, देखो आर एन एच एच और साथ में क्या दिया हुआ है, एन ओ सी एल, तो ये एन ये सी एल और कौन आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। बच्चों भी लेफ्ट वाले को तोड़ दो लेफ्ट वाले के साथ में, राइट वाले को तोड़ दो राइट वाले के साथ में, और बीच वाले को तोड़ दो बीच वाले के साथ में, बताओ क्या बनेगा, आर सी एल प्लस में एन टू प्लस में एच टू ओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।